अस्सलाम वालेकुम। शफ़क यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महरमा। वो लड़की जिसे अमेरिका पर एतबार ना रहा। एक 15 साल लड़की, अमेरिकी लड़की जिसे मुबीना तौर पर कांग्रेस के साबिक रुकन एंथोनी विनर ने काबिल एतराज़ तस्वीर भेजी थी या भिजवाई थी। उसने अमेरिका के मरकज़ी तफ्तीशी अदारे FBR को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मस्कुरा लड़की का कहना था कि FBI के सरबरा जेम्स कॉमी की जानिब से मिस्टर विनर के ख़िलाफ़ जारी नोटिफिकेशंस की तफसील आम करने के फ़ैसले के बाद से ज़राए अबलाग के नुमाइंदों ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते FBR के सरबरा मिस्टर कॉमी ने ऐलान किया था कि मिस्टर एंथोनी विनर के मामले की तफ्तीश के दौरान कुछ नए ईमेल्स भी दरियाफ्त हुई जिनका ताल्लुक हिलरी क्लिंटन से है। मिस्टर विनर हमा आबिदीन के शोहर हैं जो कि आजकल हिलरी क्लिंटन के इंतखाबी मुहिम में इनके माउन के तौर पर काम कर रही हैं। एक खुले हाथ में मस्कुरा लड़की का कहना था कि FBI के ऐलान के बाद से अखबारी नुमाइंदों ने इनके इलाके में खेमे लगा लिए हैं और वो वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अब तक अमेरिका के तमाम बड़े और मकामी ज़राए अबलाग वाले मेरी कहानी जानने के लिए मेरे ख़ानदान और मुझसे राब्ता कर चुके हैं। आखिर आप इंतखाबात के बाद तक का इंतज़ार क्यों नहीं कर सकते थे? अब जब इलेक्शन को सिर्फ एक हफ़्ता बाकी रह गया तो ज़राए अबलाग के तमाम तर तवज्जो का मरकज़ मेरी ज़ात बन गई है। मस्कुरा लड़की ने इल्ज़ाम लगाया कि FBI के डायरेक्टर का ये कहना कि हिलरी क्लिंटन की मुबीना ईमेल्स मिस्टर विनर के लैपटॉप से मिली हैं इनकी मुबहिम हिकमत अमली की अकासी करता है। लड़की का अपने ख़त में कहना था कि डायरेक्टर ने अपने ऐलान में चीज़ों की तफसील नहीं बताई, जिसका नतीजा ये निकला है कि अखबारी नुमाइंदों ने मेरा पीछा शुरू कर दिया है कि शायद मैं इन्हें तफसीलात बताऊँगी। वेबसाइट बेसफीड पर शाया होने वाले मिस्टर कॉमी के नाम खुले ख़त में लड़की का मज़ीद कहना था कि मैं ही वो 15 अब 16 साल लड़की हूँ जो मिस्टर विनर की फाहश हरकत का निशाना बनी थी और अब मैं आपका नाम भी इन्हीं लोगों की फहरिस्त में डाल रही हूँ जिन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की। जब मैंने अपनी कहानी लोगों को सुनाई तो मेरा मकसद ये था कि बाकी बच्चे इंटरनेट पर किसी भेड़िए का निशाना ना बने। मेरा ख्याल था कि FBI के डायरेक्टर की हैसियत से आपका काम मेरी हिफाजत करना था। मैंने सोचा कि अगर मैं आपकी तफ्तीश में आपसे ताउन करती हूं तो एक नाबालिग होने के नाते मेरी शिनाख्त को खुफिया रखा जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा क्योंकि मेरे घर पर ज़राए अबलाग के टेलीफोन कॉल्स और ईमेल्स का ताना बन चुका है। बल्कि यहाँ तक कि ज़राए अबलाग मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कुछ इंतखाबी जायज़ों में डोनाल्ड ट्रंप के हिलरी से आगे होने की वजह भी मैं ही हूँ। एंथोनी विनर जो शख्स हैं जिन्होंने बल्कि वो शख्स हैं जिन्होंने फाहश मवाद का निशाना बनाया, मगर आपके ख़त से इन्हें तकवीत मिली जब आपने हर रिपोर्टर को मेरी कहानी मालूम करने के पीछे लगा दिया है, तो ऐसे में मैं अपनी ज़िंदगी कैसे दोबारा शुरू कर सकती हूँ? उन्होंने अपना ख़त इन अल्फाज़ पर ख़त्म किया, फ़कत वो लड़की जिसका अमेरिका पर एतबार ख़त्म हो गया। इस तरह की मज़ीद वीडियो सुनने के लिए शफ़क यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।